तो ये इस क्रीम की एक डाउन साइड ऐसी है कि जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और इसकी वजह से ना तो मैं इस क्रीम को अब यूज़ करने वाली हूँ, इसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, और ना ही इसको दोबारा परचेज करने वाली हूँ, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सेंध गनी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम का, और सेंध गनी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को मैंने रिव्यूज़ ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर रही हूँ, उसमें सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। अगर आपको सेंध गनी की प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के रिव्यूज़ उसमें मिलेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं इस क्रीम के प्राइस और इसकी क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी हमें इसमें मिलती है 60 ग्राम, और ये क्रीम जो है ये मैंने सेंध गनी की ऑफिशियल वेबसाइट से 350 रुपये में ख़रीदी थी, और ये क्रीम जो है ये 3 साल तक के लिए काबिल इस्तेमाल है। इस क्रीम पर काफ़ी सारे क्लेम्स हुए हैं, जैसे कि ये नॉन ग्रेसी है, नरिशिंग है, इसमें ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल और विटामिन ई एड है, उसके अलावा ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, हेल्दी और ग्लोइंग बनाती है, फेस बॉडी हैंड्स पर इस्तेमाल की जा सकती है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे क्लेम्स इसके बॉक्स पर हुए हुए हैं। मज़ीद ये कि इसके बॉक्स के ऊपर क्लेम्स के अलावा इसको यूज़ करने का तरीका, कॉशंस और इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी मेंशन है। इंग्रेडिएंट्स अगर हम गौर से पढ़ें तो इसमें शामिल है अक्वा, ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल, विटामिन ई और शिया बटर, ये कुछ की इंग्रेडिएंट्स इन्होंने ऐड किए हैं, लेकिन सारे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने ऊपर नहीं लिखे। बॉक्स खोलें तो अंदर हमें इस तरह का प्लास्टिक का एक कंटेनर मिलता है, और क्रीम का कलर जो है वो अंदर से वाइट है, और इसका टेक्सचर लाइट टू मीडियम है। थोड़ी सी क्वांटिटी आपको चाहिए होती है अपने फेस पर या हैंड्स पर, जहाँ पर भी आपने अप्लाई करनी है, अप्लाई करने के लिए ये कम्प्लीटली अब्जर्व हो जाती है विद इन ए मिनट, और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देती है, स्किन को हाइड्रेट भी कर देती है काफ़ी नाइसली, और स्किन को स्मूथ भी बनाती है। ये क्रीम जो है ये सेमी मैट फिनिश देती है, और स्किन पर बिल्कुल भी ग्रीसी या स्टिकी फील नहीं होती। एनीवेज इसके ऊपर ये नहीं मेंशन कि ये किस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले इसको समर में यूज़ करें तो बेहतर रहेगा अगर आप करना चाहें तो, और ऑयली कम्बिनेशन या नॉर्मल स्किन वाले जो है वो इसे सारा सीजन यूज़ कर सकते हैं, मतलब पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये क्रीम सर्दियों में कोई ज़्यादा कारामद साबित नहीं होगी, क्योंकि ये इतना मॉइस्चर फराम नहीं करती जितना ड्राई और सेंसिटिव स्किन को ज़रूरत होती है। लेकिन इसकी जो एक डाउन साइड, जो बहुत बड़ी डाउन साइड है मुझे लगती है, वो इसकी सेंट है। यानी कि जब आप इस क्रीम को इसके जार के अंदर से ही स्मेल करेंगे तो आपको इसकी माइल्ड और प्लीजेंट सेंट सूंघने को मिलेंगी, लेकिन जब आप एक दफ़ा इसको अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, आपकी स्किन पर स्प्रेड हो जाती है, तो उसके बाद आपके पास इतनी बुरी स्मेल आती है ना, मैं बयान इस तरह से करूँगी कि जब हम अंडा बनाते हैं, खाने वाला अंडा, तो जिस कटोरी में हमने अंडा फेंटा होता है ऑमलेट, जब उस कटोरी को हम धोते हैं तो उसके अंदर से जो एक सेंट आती है जिसे हम पंजाबी में छाण कहते हैं, बिल्कुल वैसी ही इसके अंदर से छाण आती है ये मतलब जब हमने इसको अप्लाई किया होता है। अब आप खुद तस्वर कर लें कि अगर आपके पास से इतनी बुरी स्मेल आ रही हो तो फिर कौन है जो आपके पास उठ के बैठेगा भी। तो ये इस क्रीम की एक डाउन साइड ऐसी है कि जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और इसकी वजह से ना तो मैं इस क्रीम को अब यूज़ करने वाली हूँ, इसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, और ना ही इसको दोबारा परचेज़ करने वाली हूँ, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक मुझे फील हुआ है। अगर आपने ये क्रीम खरीदी हुई है तो बताइए आपकी क्रीम के अंदर से भी बिल्कुल ऐसी सेंट आती है, कैसी आती है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में इस बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरी लड़कियों को भी फ़ायदा हो सके। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्रीम रिकमेंडेड है या नहीं, तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी बुरी सेंट की वजह से। और इसी के साथ मैं इस रिव्यू का इख्तिताम करती हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।